तो गाइस मंडाला टॉप जो है वो यहाँ से है, जब आप आएंगे ऊपर से ये आ गया बोमडिला। ये है करीना, मेरा फेवरेट, जिसे मैं इतने टाइम के बाद खाने वाली हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग, ये राइस, सलाद, पनीर की भुर्जी, ये बनाना। सो हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और होटल मंडाला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छी एम्बियंस है, हमेशा बोलती हूँ। जाते वक्त भी रुके थे, आते वक्त भी यहीं रुके। और दिखाती हूँ आपको बाइक पे सामान सेटल होते हुए। ये रही बेबू बाइक पे सामान लगाते हुए। ये पड़ा हमारा बाकी का सामान। हाय कर दो बेबू। तो गाइस बाइक पे सामान सेटल हो रहा है और अभी आज हम लोग जाएंगे गाइस टींगा। वहाँ पे भैया वेट कर रहे हैं हमारा और लंच भी हम लोग वहीं लेंगे टींगा में ही। और देखते हैं गाइस, रास्ते में तो कुछ है नहीं, बोमडिला आएगा, बोमडिला को तो हम क्रॉस करके चले जाएंगे, वहाँ पे हमारा रुकने का कोई मतलब नहीं है। और चेक कर लिया था हमने ऑनलाइन सीएट का टायर, बोमडिला में नहीं है गाइस, तेजपुर में ही मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे शोरूम्स हैं, आई विश मिल जाए तेजपुर में हमें सीएट का टायर। गाइस यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़, क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है मैं उड़ जाऊँगी, इतनी तेज़ हवा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा टेल बैग कैसे लगाते हैं बेबू। ये देखो, ये गई बंजी, ये पूरा बैग दो बंजी से टिक जाता है। देखो गाइस कितनी मेहनत लगती है। अब इसे यहाँ पे नीचे होल्ड किया जाएगा, ये लगा दिया। ये सबसे डिफिकल्ट काम लगता है मुझे, ऐसा बांधना कि मतलब सारा पीछे ना जाए, जैसे लास्ट टाइम जा रहा था ना बहुत पीछे चला गया था। देखो गाइस कितना मुश्किल हो जाता है, सबसे ज्यादा टाइम जाता है हमारा इन सब चीजों को सेटल करने में। इसीलिए ना अब हम नेक्स्ट ट्रिप में इनको अपने सैडल बैग्स को टाटा बाय बाय कर देंगे, ये बहुत टाइम खपाते हैं। इसको बांधना सबसे ईजी है, दो पंजी से ये टक हो जाता है, सबसे ज्यादा ये टाइम लेता है। ये इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया हम पैनियर से लगवाएंगे, काम ही खत्म। नेक्स्ट राइड हमारी जो भी होगी पैनियर के साथ होगी, ये तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें तो फिर भी इतना टाइम नहीं जाता ना, इसमें टाइम नहीं जाता इतना जितना कि ये सैडल में टाइम जाता है। पूरी गद्दी हटानी पड़ती है वहाँ से, गद्दी मेरी हटेगी फिर ये लगेंगे फिर गद्दी लगेगी, पूरा टाइम चला रहा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, बैग टेढ़ा लग रहा है। ये वाला बैग मैंने बहुत लोगों के पास देख लिया इस ट्रिप में, सेम टू सेम। अभी तो हमने एक इस ट्रिप जब हम आ रहे थे इस ट्रिप में, मैंने दो लड़के देखे थे, राइडर ही थे वो, इतना सामान हम दो बंदों का है ना गाइस, ये उतना उन अकेले बंदे का था। अब आप लगाओ कितना सामान लेके चले हैं वो, हम तो फिर भी बहुत कम लेके चलते हैं, कपड़े भी रिपीट करते हैं आप लोग देख सकते हैं। और कल तो मैंने बहुत सारे कपड़े यहाँ पे वॉश करवा लिए थे होटल मंडाला में, तो यह है कि हम जहाँ भी जाते हैं वॉश करवाना ही पड़ते हैं क्योंकि कपड़े बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो क्या करें। बट फिर भी गाइस हम दोनों का इतना सामान तो होना मिनिमम है, जब एक लड़का इतना सामान लेके चल सकता है तो दो बंदों का तो इतना मिनिमम है ही। तो हो रहा है सामान, मैं आराम से अपना व्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सही लगती हूँ, वहाँ जाके वो सन चला जाता है तो कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है स्किन का। और सो गाइस अभी बस निकलेंगे यहाँ से, देखते हैं कहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। लंच तो हमारा वहीं पे ही है टीका में, सो देखते हैं। वैसे कुछ खाया नहीं है सुबह से, बस चाय पी थी। सो देखते हैं आगे क्या मिलता है क्या नहीं, जो भी मिलेगा ऑन द वे में कुछ अच्छा तो खा लेंगे। सो गाइस अभी लग गया है पूरा सामान, तीन दौर भी चढ़ गया है मेरे बैग पे। और ये होटल गाइस आपको ऑन द रोड पे ही मिल जाएगा, कहीं आपको ज़्यादा, जैसे ही आप दिरांग में आओगे तो आपको ऑन द वे में ही मिल जाएगा, थोड़ा आगे आते जाना तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी गूगल पे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर मेंशन कर दूंगी। तो बेस्ट होटल है दिरांग में, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो स्टे ज़रूर लें यहाँ पर। और ठीक है गाइस, बन गया है हमारा सामान बाइक पे, रेडी है। आपने गलत लगा दिया,
ओ हाँ, हमने उल्टा लगा दिया, ये अंदर का हिस्सा है। हाय रब्बा, अरे बाइक पूरी लहरा रही है हवा में। टायर ठीक है, ये ढूंढ ढूंढा चलता वलता, चल जाइए अच्छे से, मैं बहुत मारूंगा उस टायर को। गाइस मैंने ना दिल्ली में मेव को बोला था, जब ये सर्विसिंग के लिए गई थी हिमालयन, मैंने टायर चेंज करवा लो, बेटर रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि जब चंडीगढ़ में हमारे साथ हुआ था तो आरी वाले बंदे ने बोला था कि नेक्स्ट राइड पे जब भी आप लॉन्ग राइड पे जाओगे इसको चेंज करवा के ही जाना। बाकी चलो कोई बात नहीं, अब जो होना है सो हो गया, लाइफ का पार्ट है, होता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और स्पेशली मैं आर्मी के ट्रक में बैठी, और क्या चाहिए, वरना आप अदरवाइज ऐसे बैठ नहीं सकते, और कोई मजबूरी हो जाए तो ही आप ऐसे बैठ सकते हो, अलाउड नहीं है। तो सामान रेडी हो गया है, तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 12:15, और ये रहा हमारा होटल द मंडाला होटल एंड रेस्टोरेंट, नंबर ही आपको दिख गया यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। और अब बज रहे हैं 12:15, हम निकल रहे हैं यहाँ से दिरांग से, और यहाँ से 60 किलोमीटर है टिंगा, और हमें अप्रोक्स लगेगा 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में शायद कुछ खा लें, क्योंकि भूख तो लग रही है, क्योंकि हम दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। कल मैं गाइस 5 किलोमीटर आगे चला गया था टायर ट्यूब और सब चीज़ों के लिए बाइक के रिकॉर्डिंग, आपको तो पता ही है, यहाँ काम करने से मना कर दिया था, तो बस वॉश करवाई, चेन ल्यूब करवाई और टायर दिखा लिया था मैंने, जिसने मना किया था उसको वापस मैं गया था यूटर्न लेके। और गाइस यहाँ पे भी आया था मैं, टायर वायर पड़े हुए हैं, सारा सामान मिल जाएगा, ट्यूब भी मिल जाएगी, लेकिन हिमालयन की नहीं मिली, बुलेट की मिल गई थी। हिमालयन गाइस इधर ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए तो इधर मिली नहीं, और गर्मी हो रही है यहाँ पे, टेम्परेचर 20-22 के आसपास गया हुआ है इधर। कल मैं गाइस इधर ही निकल गया था आगे पेट्रोल पंप के पास, ऊपर गाइस इतनी ठंडी झेला है ना हम, तो अब ये महसूस नहीं हो रही यहाँ पे ना, नॉर्मल सा लग रहा है बस, है ना। तो गाइस निकल गए भगवान का नाम लेके, बोमडीला है गाइस यहाँ पे, यहाँ से 40 किलोमीटर 41, तो बोमडीला तो नहीं, बोमडीला को बाईपास कर देंगे शायद, अगर कुछ खाने का मन करा, भूख लग गई बोमडीला पहुँचते पहुँचते, तो रुक जाएंगे बोमडीला में, कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दिरांग से बड़ा है बोमडीला। और मैं कल गाइस यहाँ पे भी आया था, पर यहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं, और आगे भी आया था, इसके आगे दो हैं गैराज बड़े बड़े, वहाँ पे भी आया था, और ये बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, रुकना ही पड़ेगा। और गाइस इधर ना हवा बहुत तेज चलती है, कल भी बहुत तेज हवा चल रही थी, फ़ोटो खींचने में और वीडियो बनाने में ना गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादा हवा में ना बन नहीं पाती। बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आता है, हवा भी क्या, इधर तो आंधी ही चलती है। ये आया आवर रिजॉर्ट, इसमें हम गए थे लेकिन हमें जगह नहीं मिली थी, जब हम उधर से आ रहे थे, भालू पोंग से आ रहे थे जब हम
हम भालूपोंग से दिरांगी आ गए थे ना, तो मतलब यहाँ से हम तेजपुर आराम से जा सकते हैं, हम आए भी तो थे पर हम जाएंगे नहीं। तो गाइज यहाँ आया था मैं कल, और पेट्रोल पंप है यहाँ से आधा किलोमीटर आगे, मैं वहाँ तक गया था। और ये आया एक गैराज, और ये आ गया है बाइक का स्पेशल गैराज जहाँ बाइक का ही काम होता है। पर यहाँ भी मेरा कुछ काम हो नहीं पाया, चेन लूप और टायर चेक करा दिया था मैंने कि मैंने सही लगाया नहीं लगाया, बाकी कुछ हो नहीं पाया यहाँ पे। तो गाइस मंडाला टॉप जो है वो यहाँ से है, जब आप आएंगे ऊपर से तो यहाँ से राइट हैंड साइड में, अगर उधर से आएंगे तो लेफ्ट और इधर से जाएंगे तो राइट, मंडाला टॉप। वहाँ कुछ है नहीं मैंने पूछा, तो इसलिए फिर हम वहाँ जा नहीं रहे हैं। यहाँ से 28 किलोमीटर है, फिर कभी ट्राई करेंगे, कभी गए तो एक बार नज़र मार आएंगे। हमने यहाँ से राइट ले ली, राइट में ले लिया है बोमडीला शहर में, वो सामने नीचे बोमडीला शहर है 3 किलोमीटर, वहाँ से भी हम बाहर निकल जाएंगे, बात बराबर ही है, बस ये रास्ता शहर से होके जा रहा है अंदर, तो जल्दी पहुँच गए बहुत, इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ से चाय नाश्ता या कुछ मिल जाएगा तो कुछ खा के चले जाएंगे। यहाँ गाइस मैं कभी आया नहीं, तो ये भी देख लेते हैं कैसा शहर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हाँ दिरांग से बड़ा है। और वो जो सीधा जा रहा था वहाँ से, हम लास्ट टाइम वहीं से आए थे, बाईपास कर गए थे इसको, तो इधर अंदर नहीं आए थे। वो सामने जा रहा बाहर का रास्ता हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। ये आ गया बोमडीला, और वो साइड गाइस मोनेस्ट्री है, मैं आइड में कोई नहीं है, मोनेस्ट्री की साइड है, हाँ दिरांग से बड़ा है गाइस, बोमडीला दिरांग से बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा शहर है। जेरोक्स लैमिनेशन सब कुछ है यहाँ पे, बड़ा है काफी, देखो ना ऊपर तक फैला हुआ पूरा। हो सकता है कि इधर उधर कहीं हो। तो गाइस हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया है, अब निकल रहे हैं टेंगा की तरफ, टेंगा। गाइस फाइनली टिंगा पहुंच गए हम, और अब हमें जाना है आर्मी गेस्ट हाउस, तो वहां की तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो मिलता हूं आपसे थोड़ी देर के बाद अंदर। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो हम लोग गाइस पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस, और मैं पी रही हूं चाय, बेबू ने चाय पी ली है, और अभी आने वाला है हमारा लंच। और आए थे भैया पूछने के लिए कि हम लोग क्या खाते हैं, वेज या नॉन वेज, तो ऑब्वियसली हम दोनों वेजिटेरियन हैं प्योर, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। सो ये बैठा मेरा पति। और पति क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जल्दी पहुंच गए। दिरांग से कब पहुंच गए यहाँ पता ही नहीं चला, दिरांग से बोमडीला पहुंचे, बोमडीला से नीचे उतर गए, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी पहुंच गए। डिस्टेंस था आराम से अपना 60-65 किलोमीटर, 1.5 घंटे में पहुंच गए अपने। हाँ आराम से मजे करते आए। और गाइस दिल्ली में ना ये मुझे एक मूवी दिखा रहे थे, सूर्यवंशी, पुरानी वाली, मैंने नहीं देखी हुई थी, वो थोड़ी सी देखी थी, फिर वो रह गई क्योंकि हमें अगले दिन निकलना था अपनी ट्रिप पे। तो आज यहाँ पे लगाई है हमने सूर्यवंशी, में दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइस यहाँ पे लग गया सूर्यवंशी। अभी हम देखेंगे इसे, मेरा बहुत मन है, ये बहुत पुरानी मूवी है, मैंने किसी जमाने में देखी थी, आप ये कह सकते हो, क्योंकि ये मूवी जो है ये आई थी 1992 में, तो आप सोच सकते हो कितने साल हो गए, अभी काफी टाइम हो गया। मुझे इस मूवी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी भी कोई मूवी है, इन्होंने मुझे बताया एक दिन, तो मुझे काफी अच्छी लगी ये स्टोरी। आई थिंक बहुत बंदों ने देख रखी होगी, सलमान खान की और अमिताभ सिंह की। इतनी पुरानी मूवीज गाइस मैंने कभी देखी नहीं है,
तो मैं इस मूवी को जरूर देखूंगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस मूवी को मुझे आज ही खत्म करना है। हो जाएगी, कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं, आज ही तो ऑलमोस्ट हमने अपने घर में ही देख ली थी। हाँ तो आज ही बची है बस, अब आई एम वेरी एक्साइटेड। बस तो फिर अब पति थके थके ही खाना खाएंगे, खाना आएगा गाइस अभी हमारा, फिर मैं बताऊंगी क्या आया खाने में। हाँ जैसा खाना मिल रहा है खाने को और क्या चाहिए गाइस, मजे चल रहे हैं। और कल जाएंगे तेजपुर, तेजपुर में अपने टायर का जुगाड़ हो गया है, फोन पे मैंने बात कर ली है और टायर मिल जाएगा हमें 3100 में, 3100 में, देखते हैं कोई बार्गेनिंग होगी तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं लगवा लेंगे क्योंकि हमको बहुत जरूरत है टायर की इस समय। आज भी गाइस पता क्या हुआ, पीछे बैठे हुए ये मुझे कह रही तुम हिली, मैंने कहा मैं नहीं हिली, टायर हिला, टायर स्किड कर गया। रीजन ये है ना, वो बिल्कुल वॉर्न आउट हो चुका है बीच में से, जब जब राइड पे निकला था तो टायर ठीक था, इतना मतलब ज्यादा वॉर्न आउट नहीं हुआ था, मतलब चल सकता था, मैंने दिखाया था तो इतने ब्लॉक्स जो थे ना हल्के हल्के दिख रहे थे, तो उसने भी कहा था कि ये ट्रिप मार लो लेकिन उसके बाद आपका ये टायर चलेगा नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं चले जाएंगे, तो बस पंगा हो गया, अब रास्ते में पंचर हो गया, पंचर में चलाई तो थोड़ा सा और वॉर्न आउट हो गया, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ये समझ लो बिल्कुल घिस गया, फ्लैट हो गया बीच में से, दोनों तरफ इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं एजिस में जिसके वजह से अगर कहीं स्लिप करती है तो बच जाती है, वरना ऐसे ऐसे बबल होती है कीचड़ में या फिर कोई ऐसी जगह आ जाए या फिर टर्न आ जाए बहुत ज़्यादा, ऐसे पहाड़ों पर उतरते नीचे तो अभी टर्न पे जैसे ही कह रही थी कि मुझे लगा शायद कोई हिला लेकिन पीछे से मैंने टायर ही हल्का सा स्पीड हुआ था, वो रिस्की है वैसे तो कोई नहीं, 150 किलोमीटर है अराउंड यहाँ से, 140 का अराउंड होगा तेजपुर। कितने बजे निकलेंगे सुबह हम? सुबह गाइस हम निकल जाएंगे 10 बजे तक, 9:30 बजे तक निकल जाएंगे, ताकि हमें 10 बजे तक मैक्सिमम हमें निकलना ही पड़ेगा, 8 बजे उठेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो लेट पहुंचेंगे तो मार्केट बंद हो जाएगी, और अगर मार्केट बंद होगी तो टायर कैसे डलेगा, फिर हमें नेक्स्ट डे भी रुकना पड़ेगा, तो इसलिए मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर के बाद। सो गाइस हमारा खाना आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, खाना बहुत ही यम्मी है, मेरा फेवरेट फूड है, सो ये है करेला मेरा फेवरेट जिसे मैं इतने टाइम के बाद खाने वाली हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, ये राइस सलाद, पनीर की भुर्जी और दाल, ये वो ने बता दिया दाल, ये चपातीज हैं गेहूं की चपाती, तो अभी हम दोनों अपना लंच इंजॉय करते हैं गाइस, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपना लंच इंजॉय कीजिए और फिर हम मिलते हैं आफ्टर लंच। सो गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और गाइस अभी मैं और पुनो रेडी हो चुके हैं दूसरे गेस्ट हाउस जाने के लिए, वहाँ भैया ने हमारे लिए डिनर अरेंज किया हुआ है, और पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको डिनर तो ज़रूर दिखाऊंगी, और भैया से पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी गाइस, परमिशन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं शूट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और जितना हो सकेगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे गाइस, तो अभी बस हम दोनों रेडी हैं और निकल रहे हैं अपनी हिमालयन पे, सो चलिए बेबू बिल्कुल रेडी। तो गाइस चलते हैं, वहीं मिलूंगी आपसे। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग अभी आए हैं अपना भैया के साथ, बहुत देर तक हमने टाइम स्पेंड किया, बातें करी, बहुत कुछ भैया ने खाने में बनवाया हुआ था, खाने में तो इतना कुछ बना रखा था कि क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत कुछ लॉर्ड सॉन्ग, पहले हमने स्नैक्स खाए, फ्रेंच फ्राइज, जूस, हाँ जूस पिया, देन उसके बाद हमने डिनर लिया, डिनर में भैया ने बहुत कुछ बनवाया हुआ था, एक पुडिंग थी, पास्ता था, रायता था, और क्या था, बन टाइप का कुछ था, हाँ कुछ डिफरेंट था, मतलब सारा ना भैया ने इंग्लिश फूड, हाँ पनीर भी था, वो था क्या, पनीर टिक्का टाइप, पनीर टिक्का, बहुत कुछ बना रखा था, मजा आ गया, और बातें भी करी और इंजॉयमेंट भी करी, वहाँ ब्लॉग करना भूल गए, हाँ इंजॉयमेंट के चक्कर में गाइस मुझे याद ही नहीं रही ब्लॉगिंग और बातों के चक्कर में इतना बिजी हो गए हम लोग कि मैं भूल गई ब्लॉग करना, सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी भी हम दोबारा फिर जाएंगे मैं पक्का ब्लॉग शूट करूंगी, भैया के साथ ही बनाऊंगी, ना फोटो क्लिक करी ना वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं किया, बस सीधा बातें करते रहे, इंजॉयमेंट करी, बस उसमें कब 11 बज गए कुछ पता नहीं चला, तो बस अब मेरे को डेटा कॉपी करना है आज के दिन का, और अब उसके बाद सोएंगे, सुबह निकल रहे हैं हम तेजपुर के लिए, वहाँ टायर चेंज करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे, तो वो आपको कल सुबह पता चलेगा, तो बने रहना हिमनीत ब्लॉग्स पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।